आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर ग्राउंड जीरो से है। गडकोट और अंगोट गांव के नीचे भूस्खलन से बनी झील से ग्रामीणों में है दहशत। लोगों के खेत खलियान भी भारी भूस्खलन की हैं जद में। भूस्खलन से गांव को भी बना हुआ है खतरा। झील को तत्काल प्रभाव से खोलने की है जरूरत। लोगों ने प्रशासन को दी इसकी सूचना। चमोली जिले के पिंडर घाटी का नारायण बगड़ प्रखंड में गड्डीगाड़ क्षेत्र के गडकोट एवं अंगोट गांव के नीचे बरसों पुराना भूस्खलन क्षेत्र अब ग्रामीणों के लिए भारी मुश्किलों का सबब बनने वाला है। यहां पर बन रही झील को तत्काल प्रभाव से खोलने की जरूरत है। दरअसल गडकोट और अंगोट गांव के मध्य यहां पर एक बड़ा सा गधेरा बहकर नीचे पिंडर नदी में आकर मिलता है और लगातार हो रही बारिश इन दिनों इस भूस्खलन भाग को गधेरे का जलस्तर बढ़ने से काटने लगा है, जो ऊपर बसे गडकोट और अंगोट गांव की जमीन को लगातार नीचे गधेरे में धसाने में सहायक बन रहा है, जिसे गडकोट के नीचे दोनों इलाकों को जोड़ने वाला पुराना पुल के पास दोनों ओर से भारी मलबा पत्थर गिरने से घाटी में गधेरे का मुहाना बंद हो जाने से वहां पर झील बनती जा रही है, जो मानसून सत्र में तेज बारिश के होने पर निचले हिस्सों में कहर बरपा सकता है। लगातार झील का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की जमीनों पर हो रहे भूस्खलन से गडकोट के लोगों में दहशत बनी हुई है। यहां गांव के नीचे बरसों से भूस्खलन हो रहा है, जिसके उपचार के लिए यहाँ के लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार तो बहुत बार लगाई, परंतु लोगों का कहना है कि हर बार उनकी अनसुनी कर दी गई। इस बार समस्या भयंकर रूप ले सकती है। झील बनने से न सिर्फ गडकोट और अंगोट की जमीन और गांव को खतरा होगा, बल्कि नीचे घटगाड़ गांव और मिगंग धेरा बाजार को भी बाढ़ जैसे हालात से गुजरना पड़ सकता है। बताते चले कि गड्डीगाड़ क्षेत्र का यह छोटा सा गधेरा अपने विकराल रूप के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के ग्रामीण सन 1992 की वह भयंकर बाढ़ को याद करते हुए बताते हैं कि तब इसी गधेरे ने गड़ीनी का भरा पूरा बाजार रातों रात उजाड़ दिया था और 14 लोग अकाल मौत के गाल में समा गए थे। हर बरसात में ये गधेरा अपना विकराल रूप में होता है। वर्तमान में गांव के नीचे बनती जा रही झील को समय रहते हुए खोलने की तत्परता की जरूरत है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से किसी को दो चार न होना पड़े। सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। जी, हमारे ग्राम पंचायत गड़कोट के लिए ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है। और जो ये हमारे 2013 से जो 1991 से जो स्लाइडिंग और गधेरे भयंकर रूप लेके आता है, तो इसने हमारे गांव के लिए बहुत खतरा बना दिया है। और साथ में जो दो गांव दो इलाकों को जोड़ने वाला पुल है, वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस टाइम दोनों जगह से जो ज़मीनें स्लाइडिंग हुई हैं, उसे झील ने बहुत भयंकर रूप ले लिया है। और हमने 2013 से पहले भी कई बार शासन को इस चीज़ की जानकारी दी है, लेकिन उस पर कोई आज तक कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। और आज तो हमारी ज़मीनें गई हैं, कल हमारे जो घर चले जाएंगे तो उसमें हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं प्रशासन से या अन्य अपने जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करूँगा कि वो हमारी ग्राम सभा गड़कोट के लिए कुछ हमारी मदद करें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। शासन से अनुरोध है कि आप ये जो झील बनी है हमारे गांव के ठीक नीचे, उस झील की समस्या का समाधान करें। और इससे गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इससे गांव वालों को भी खतरा है। इनको यहाँ रहने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, जमीन भी कट चुकी है, आधा तो निकल चुकी है आगे, और जो भी है बाकी बचा उसका थोड़ा सुरक्षा करने का कोशिश करें। यहाँ पर शासन से अनुरोध है, हाँ ये झील जल्दी खुलनी चाहिए, क्योंकि इससे गांव के लिए बहुत खतरा का कारण बन सकता है। जो ये गांव के नीचे झील बनी है, मैं शासन प्रशासन से यह निवेदन करता हूं कि आप जो है इस झील को तुरंत तोड़ने की व्यवस्था करें, नहीं तो ये गांव के लिए बड़े खतरे की बात हो गई है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इसमें अपना सहयोग दें और जो है इस झील को तोड़ने की संदर्भ में कोई विशेष रुचि रखें। ये बड़े खतरे
ये गांव के लिए बड़े खतरे की बात हो गई है। ऊपर तक जो है भूखंड हो गया है और दरार भी पड़ चुकी हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि आप जो है तुरंत आके इस झील के विषय में सोचें और इस झील को तोड़ने की व्यवस्था करें। स्लाइडिंग इसी बरसात में दो चार दिन पहले जो लगातार बारिश हुई है उससे ये स्लाइडिंग दोनों तरफ हो चुका है। पार माल के रास्ते से भी और गड़गोड़ के नीचे से भी ये स्लाइडिंग बड़े खतरे की बात। ये बहुत पुराना स्लाइड है, पहले भी यहाँ पे इस तरह की स्लाइडिंग हो चुकी है, ज़मीनें टूट धस चुकी हैं। विगत जो चार पाँच दिन की लगातार बारिश हुई तो उसमें ये खतरा महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर इसी बीच हमने देखा कि सामने गांव के जो खेत के किनारे हैं वो पूरा का पूरा रास्ता धंस करके नीचे गधेरे में आ गया है और उस मलबे ने पूरा गधेरे का जो डिस्चार्ज था, आउटलेट था, उसको बंद कर दिया है और यहाँ पे एक बड़ी झील बन गई। फिर हम कल हमें ये पता चला और कल ही फिर हमने इसकी तुरंत रिकॉर्डिंग और वो करके सूचना दी प्रशासन को। ये जो गधेरा आपको दिख रहा है गड्डीगाड़ का, ये इस इलाके का एकमात्र वाटर आउटलेट है। यहीं से पूरे घाटी का पानी पिंडर नदी की ओर बहता है। इस गधेरे में पहले भी 1992 से लेकर के 2013 में हर वर्ष इसमें इस तरह की स्थितियां बनती हैं, बाढ़ आती हैं। पहले भी ये बहुत कई जगहों पे खतरा पैदा कर चुका है, कई खेतों को बहा चुका है, घराट जितने थे सारे उजड़ चुके हैं। और अब ये जो गड़कोट गांव के नीचे वैसे भी पहले से ही कच्ची ज़मीन है, इस ज़मीन को इस झील ने तोड़ना शुरू कर दिया है। और ये कभी भी अगर दो एक दिन और बारिश आई तो ये गड़कोट गांव के नीचे का जो पूरा स्लाइडिंग जोन है उसको बहा ले जाएगा और पूरे गांव खत्म। पिंडर घाटी के नाणबगढ़ के गड्डीघाट क्षेत्र में हैं और आज हम यहां पर जो गड़कोट और जो भेला वासिना अंगोट के बीच का एक जो पुराना पुल है उस पुल के ऊपर खड़े हैं। इस पुल के जो दोनों तरफ है ये बिल्कुल भूस्खलन जो क्षेत्र है, दोनों जगह की ज़मीनें उसके ऊपर जो गांव है वो बिल्कुल भूस्खलन की चपेट में है। और जो यहाँ पे अभी वर्तमान में जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो भूस्खलन से जो मलबा गधेरे में आ गया, ये गड्डीगाड़ का एकमात्र गधेरा है, उस गधेरे में ये मलबा आ गया है। यहाँ पर जो झील बननी शुरू हो गई है और हालांकि आज और कल बारिश बहुत कम थी इसलिए झील का स्तर जो है बहुत अभी कम है, लेकिन संभावना है कि मानसून जिस ढंग से अपने चरम सीमा पर है तो झील का जो जल स्तर है ये बढ़ने की संभावना है। यदि ये झील यहाँ ज़्यादा बढ़ती है तो इससे जो निचले स्तर के जो है मींगधरा बाजार है, घटघाट गांव है, जो निचले नाणबगढ़ का जो एरिया है, अगर यहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है और बाढ़ आती है तो ये निचले स्तर के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करा सकता है। और जो भूस्खलन जो जोन है दोनों साइड, ये जो इधर अंगोट गाँव, भेला वाचना माल गाँव है, इधर जो ऊपर गड़कोट गाँव है, इन दोनों गाँव के जो ज़मीन है इन ज़मीनों में दरारें पड़ चुकी हैं लगातार। ये 2012-13 से पहले भी जो यहाँ पे जो भूस्खलन जोन है वो है तो दोनों तरफ तो भूस्खलन जो क्षेत्र है उसको जो मलबा नीचे आ रहा है उससे झील बन गई है। कहीं ना कहीं ये झील नीचे रहने वालों के लिए खतरा तो बनी गई है और जो यहाँ की ज़मीन है, जो घर गाँव है उसको भी जद में ले रही है। तो हिमालय न्यूज़ के लिए छराली और नाणबगढ़ से सुरेंद्र। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।